मॉर्निंग सर। गुड तो विजय क्या मॉर्निंग सर। काम जी नहीं आओ जाओ, आज आप आई नहीं यहाँ गुड पर, मॉर्निंग सर। सर ऑनलाइन ले रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, कर दीजिए। दिस इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ पीडी क्लासेस। आई थिंक बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, ऑनलाइन एंड ओके ऑफलाइन। ओके, एंजॉय योर ऑनलाइन। चलिए इट्स गुड। विजय लक्ष्मी, प्रदीप, नेहा, वेलकम यस सर। वेलकम गुड ऑल ऑफ मॉर्निंग यू। कैसे सर। हैं हम सब? हमारे नए कैंडिडेट से ठीक मिली, बढ़िया नालंदा, सर। हेलो कीजिए सबको, फ्रॉम नालंदा बिहार, और ये लाइब्रेरी के हेलो। लिए आ रहे हैं, केवीएस लाइब्रेरी पोस्ट के लिए। ओके, और यस हाँ जी, नालंदा एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहलाती है। ओके चलिए, सर। यहाँ पर हमारी एक स्टूडेंट और आ गई है। चलिए नेक्स्ट, पूजा से, पूजा मैथमेटिक्स के लिए है और हरियाणा से बिलोंग करती है जिंद से, इनका भी आज फर्स्ट डे है। और नेहा, मैं चाहूंगा पूजा को आप एक दो क्वेश्चन जरूर पुटअप करिएगा ताकि पूजा को उसका बेनिफिट मिले। नेक्स्ट मेंबर्स ओके सर। ऑलरेडी आप जानते हैं सबको, अनीता को, पीआरटी। नेक्स्ट मेंबर शारदा मैडम को भी आप जानते हैं, हिंदी। ओके, और अपने जो और कैंडिडेट्स आ रहे हैं अपने उनसे मिलाते जाएंगे सबको। यस मैडम, से हाय मंजीत। यस यस, हिंदी सब्जेक्ट। नेक्स्ट हेलो लाइब्रेरी कैंडिडेट, ओके, मिस्टर विकास। नेक्स्ट हिंदी सब्जेक्ट, जौनपुर। एवरीवन। नेक्स्ट पीआरटी। ओके हेलो एवरीवन। यस, सो नाउ लेट अस पार्टिसिपेट। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट अपन डिस्कशन पे आएंगे। सो एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज बी फास्ट, एनीबडी कैन रेज हैंड। सनी वेलकम। हाँ जी सर, मैं जी, पूछती कविता, हूँ नेहा, हिंदी टीचर रितु। से हाँ कि जी, हाँ जी, जैसे द्विवेदी काल में एक शब्द हाँ, का प्रयोग हुआ है इतिवृत्तात्मकता, इससे क्या तात्पर्य है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी काल में एक शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे हुआ है, इतिवृत्तात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है कि इसी के अनुसार उनकी रचनाएं, मतलब उनकी रचनाओं में इतिवृत्तात्मकता थी, तो इतिवृत्तात्मक शब्द से क्या तात्पर्य है, मतलब ऐसा प्रयोग क्यों हुआ? आप ऐड करेंगे? और भी कोई ट्राई करे। हाँ जी, ट्राई तो ये कर रहे हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। आप बताइए मैडम, कुछ बता सकते हैं तो इनको। मैम थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, हो सकता है में आ जाएगा। सर इतिवृत्त, मतलब इतिवृत्त का मतलब होता है कथा कहानी, जो उस समय की रचनाओं में कुछ ऐसा प्रधान, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ तो यही होता है। मैं सोच रही थी कि यहाँ कोई और बता देगा तो मेरा ज्ञान भी थोड़ा और अपडेट हो जाएगा, मुझे जितना पता है मैं बता दे रही हूँ। बिल्कुल तो उसके हिसाब से इतिवृत्त का मतलब होता है कथा और कहानियों के हिसाब से, जो मतलब जैसे पुराने कथाओं को लेकर हम कोई रचना करते हैं उसको इतिवृत्तात्मकता कहते हैं, जो ओके उस समय की रचनाओं में जैसे थोड़ा बहुत मिलता है, जैसे अब कामायनी वगैरह जो बाद में रची गई वो भी पुराने कथाओं के आधार पर ही रची गई, राइट। हाँ जी, यस हालांकि ये तो छायावाद छायावाद की रचना। मैम, जैसा कि आपने बताया तो मुझे ध्यान में आया कि इतिवृत्तात्मक का मतलब ये हो गया कि पौराणिक कथाएं या ऐतिहासिक कथाएं या हाँ सामाजिक कथाएं को लेकर के उन्हीं को एक क्रमबद्ध सीरियल में अगर उसको लिखा गया एक इतिवृत्त की तरह, कि मतलब कि उसी कहानी को जो पीछे लिखा गया था अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, साहित्य में उसको लिखा गया और उसका एक स्पष्ट अंत में अर्थ निकलता है, पूरा अर्थ निकलता है, वह इतिवृत्त कहलाता है। जैसे अगर हम प्रेमचंद की कहानी ले लेते हैं, कोई भी कहानी कल्पनाशील भले है वह, लेकिन उसमें कुछ न कुछ मर्म छिपा हुआ है और वो हमारे समझ में आ जाती है आसानी से, तो शायद इसी को इतिवृत्तात्मक कहा जाता है। अगर किसी और को अगर अच्छे से जानकारी हो तो प्लीज बताइए। तो बता सकता है, और अच्छे से कोई बता सकता तो वो भी अच्छा है। यस रितु, आर यू देयर? हेलो रितु, सर। रितु कम फ्रंट। क्वेश्चन हाँ जी प्रदीप, जब तक आप पूछ लो, मैं रितु से बात कर रहा था, रितु का रिस्पांस नहीं आ रहा। हेलो रितु, आर यू देयर? रितु, वहां से बहुत वॉइस आ रहा है, म्यूट कीजिए और अपने कैमरे को ऑन कीजिए। नेक्स्ट। हेलो रोहित, हाउ आर यू? गुड गुड मॉर्निंग सर। फाइन मॉर्निंग। सर। हाँ जी प्रदीप, आप क्वेश्चन पुट अप करिए। गुड। व्हाट डू यू नो अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन? मैडम, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं? समावेशी शिक्षा। समावेशी, समावेशी शिक्षा में सर वो होता बिल्कुल है कि जैसे कि भाई किसी दृष्टिबाधित हो गया, कैसे हो गया, सभी बच्चों को लेकर सभी बच्चों को लेकर शिक्षा देना, ठीक है, किसी में कोई भेदभाव ना करना, कि सभी जो बच्चे हैं उनको सभी को लेकर रोहित साथ में कंप्यूटर शिक्षा के देना कंप्यूटर होता है सर, समावेशी शिक्षा। सर इसमें नहीं और कोई? हाँ, समावेशी शिक्षा का मतलब ये हुआ कि जो टैलेंटेड बच्चा हो गया और एक यस बिल्कुल ही डल,
उन दोनों को या जो दृष्टिबाधित भी बच्चा है उन सभी को एक समान रूप से देखना, ना कि बहुत जो बहुत ज्यादा तेज हो उसको अलग प्रायोरिटी देना, जो बहुत कम तेज है उसको एक अलग साइड में एक अलग रूम में रखना और इस तरह से शिक्षा देना, उस सभी का रोल सभी की भूमिका एक साथ। सर ऐसी शिक्षा, वो शिक्षा जिसमें सामान्य बच्चों को और विशिष्ट बच्चों को लेकर के पढ़ाया जाता है, जिसमें सामान्य और विशिष्ट और को अलग कोई करें। ये कंप्लीट नहीं हो पाया, और कोई सर समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें सामान्य और विशिष्ट सभी बच्चों को एक साथ एक ही स्थान पर एक ही समय पढ़ाया जाता है। सर ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सर आप बता दें, सर आप कंप्लीट कर देते थोड़ा। रितु हमारे पास उसमें मैथमेटिक्स की मेंबर है पूजा, इसलिए मैंने आपको बोला आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, अगर मौका मिले तो आप रितु से बात करना। उसमें एक और आप पॉइंट भी है जो वीकर सेक्शन है, जिसके पास बताइए। पैसे नहीं है ऐसी वो सर भी उसे सोशल SEDG बोलते इकोनॉमिक। हैं, सोशल SEDG बोलते हैं, सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर यस ग्रुप्स यस जो सर होते वो हैं वो अकेले ही सिर्फ ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इंक्लूड नहीं करता है, वो जो अनएजुकेटेड है, इलिटरेट्स हैं, नॉन लिटरेट्स यस हैं, और वो लोग जो कि एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, एंड इवन वो लोग जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो लोग भी इसके अंदर आते हैं। तो मैम, और चार जो से कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है सर, जेंडर आइडेंटिटीज पे, सोशल कल्चर इकोनॉमिकली बैकग्राउंड बेसिस पे, और एक लास्ट लर्निंग डिसेबिलिटीज पे। ये चारों सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के जितने भी बच्चे होंगे उन लोगों को बिना भेदभाव के, मतलब एजुकेशन अवेलेबल फॉर ऑल, प्लीज ये इसका प्लीज कंसेप्ट था। प्लीज मैम, यस यस कंसेप्ट को कंप्लीटली थोड़ा सा डिफाइन करना था। क्या सर, आईसीटी को एक बार डिफाइन कर दीजिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड इन इम्प्रूविंग द टीचिंग टेक्निक्स ऑफ अ टीचर सो दैट द लर्निंग एंड द टीचिंग प्रोसेस कैन बी एनहांस्ड फर्दर। तो इसके लिए बोलो आज की डेट जी बोलो बोलो, विकास से बात करेंगे फिर, विकास का इंटरव्यू। हाँ जी हाँ जी, नेहा आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए पहले। कैलाश जी सर आपके वहां से आईसीटी वॉइस आ यहाँ रहा है, पर, प्लीज म्यूट कीजिए। कैलाश हाँ जी, नेहा बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। सर आईसीटी जो है इट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड टू एनहांस द टीचिंग टेक्निक सो दैट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम और ज्यादा इफेक्टिव बना सकें, और इसके लिए वेरियस प्रोग्राम्स जो हैं वो भी निष्ठा के ऊपर, आपने निष्ठा कोर्सेज के बारे में सुना होगा, निष्ठा कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग हमें आईसीटी का यूज कैसे करना है एट डिफरेंट लेवल्स, मतलब प्राइमरी पे, मिडिल पे, फाउंडेशनल पे, और हायर एजुकेशन में किस तरीके से करना है उसका सब टीचर्स के लिए एक कोर्स भी हर लेवल के ऊपर, निष्ठा 1.0, 2.0, 3.0 एंड निष्ठा FLN जो कि फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के साथ डील करता है, इनके ऊपर सबके ऊपर इसके बारे में कोर्सेज भी अवेलेबल हैं अगर हमें इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो। मिस्टर विकास, टुमारो इज योर इंटरव्यू, बेस्ट यस सर, ऑफ लक। मिस्टर थैंक यू सर, लक, थैंक यू मोहित सर, रंजन, विकास इज ऑफ कंप्यूटर लिटरेट, थैंक अगर यू टू ऑल ऑफ कंप्यूटर से यू। कोई रिलेटेड कोई बात करना चाहे, पूछना चाहे। रोहित, विकास यहाँ पर, रोहित जो है वो इंजीनियर ही है, और कौशिक को आप ऑलरेडी जानते हो। रोहित आप सामने रहो, विजय लक्ष्मी आज आप एक्टिव रहिए, सनी आप भी, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रही, सनी विजय और यस सर, यस जो सर। पार्ट्स। हाँ जी हाँ जी, एनीबडी सर कैन मेरा इवन विकास सर से शिशु। क्वेश्चन है जी। हाँ जी पूछिए जी, यस रोहित आप भी पूछना कोई विकास से, सर, कंप्यूटर कल उनका इंटरव्यू, तो विकास सर जी। आपको साउथ में कहीं भी भेज दिया जाएगा तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा वहां पे, कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए फेस जो करोगे आप सबसे ज्यादा? देखिए, साउथ में जाने के बाद मुझे जो चैलेंज होगा मेरे हिसाब से केवल इतना सा होगा मेरे लिए कि मुझे थोड़ा सा वहाँ के कल्चर और लैंग्वेज को अडॉप्ट करना होगा ताकि मैं उनके हिसाब से उनको सिखा पाऊँ, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो मैं एज ए टीचर सब कुछ अपने फील्ड में तो रहूंगा ही ठीक ठाक, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज को सीखना मेरे लिए चैलेंज रहेगा और बाकी कोई चैलेंज नहीं मेरे लिए। रोहित, एनी कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर विकास? सर अभी नहीं सर। ओके यस कौशिक। विकास सर हाँ जी लाउडली। विकास सर जी AI ने एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा एडवांटेज भी दिए और चैलेंजेस भी दिए, आप ये दोनों बता सकते हैं स्कूल एजुकेशन बिल्कुल में बिल्कुल। स्पेशली? देखिए, AI से जो हमें सबसे पहले बात करते हैं फायदे क्या हुए हैं। फायदे बहुत सारे हुए हैं, कुछ नुकसान की अगर हम बात ना करें तो पहली चीज, AI का जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो मेन पावर, कई बार हमसे जो गलतियां होती हैं, सपोज कीजिए कि हमने कोई ब्रिज बनाया,
अब कई बार ऐसा होता है हम उसकी मेंटेनेंस को ध्यान नहीं दे पाते, कोई इसका नट गिर गया, कोई है ना कोई इसका अस्थि पंजर गड़बड़ हो गया, अब जब तक हम उसे नहीं देखेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर AI टेक्नोलॉजी और उसके साथ IoT अगर हमने इंक्लूड कर दिया है, उससे क्या होगा, जब भी कुछ गड़बड़ होगा डिवाइस ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म करेगी इंजीनियर को या फिर दूसरे रोबोट को, क्योंकि आने वाले समय में सब कुछ रोबोटिक्स होने वाला है, तो इंसान की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, उन सब चीजों को करेगा। अगर हम छोटे बच्चों के लिए बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे नए टीचर हैं तो उनको कहानी बनाने में सुनाने में सोचना पड़ता है कि हम कितना मेहनत करें कितनी पढ़ें। लेकिन जैसे ChatGPT आ गया तो आप क्लास में जाने से पहले एक बार उससे पूछने कि भाई हमें ये टॉपिक पढ़ाना ChatGPT, मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ, तो ऑटोमेटिकली ना कंटेंट जनरेट कर देता है AI हमारे लिए, तो टीचर्स के लिए भी फायदेमंद है। कई बार ऐसा होगा कि जो आने वाले समय में रोबोटिक्स होंगे छोटे छोटे से, तो वो बच्चों के हिसाब से टीचिंग करने में भी हेल्प करेंगे, तो फायदे बहुत सारे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर AI पर हम डिपेंड हो गए तो कहीं ना कहीं हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो थोड़ी सी रुक जाएगी, इवन क्रिएटिविटी डिपेंडेंसी भी ज्यादा हमारी हो जाती जाएगी। रहेगी, हाँ, खुद की क्रिएटिविटी बहुत क्रिएटिविटी फर्क हमारी पड़ता थोड़ी सी रुक जाएगी, वो उसमें बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा हमको, तो वो एक समस्या हो जाएगी है। सर, जहां ये तक सर्च मुझे लग इंजन रहा के है। बारे में, विकास सर, सर्च इंजन के बारे में थोड़ा सा एक बढ़िया जो आंसर हो सके वो हमें बता दें। देखिए सर, सर्च इंजन एक तरह का बेसिकली एक साइट होती है, बेसिकली इसका एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर होता है दैट फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जब हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं तो इट इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इवन पेजेस एंड PDF, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो व्हेन वी फाइंड आउट एनी पर्टिकुलर थिंग इन द इंटरनेट, सो इट इज ओनली द सर्च इंजन दैट फाइंड आउट द पर्टिकुलर टैग फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट एंड शो द रिलिवेंट रिकॉर्ड। अगर सर्च इंजन नहीं होगा तो फिर हमको खुद जाके ढूंढना पड़ेगा, बट सर्च इंजन से जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज द ChatGPT। ChatGPT इज बेटर देन सर्च इंजन बिकॉज इट ओनली शोज द इंफॉर्मेशन दैट इज टोटली रिलिवेंट टू मी एंड इट कैन ऑल्सो जनरेट द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मी, जबकि सर्च इंजन ये नहीं कर पाता। सर्च इंजन केवल लिंक हमें बना के देता है और वो सारी लिंक वो होती हैं जो कि किसी और ने ऑलरेडी बना के रखी है, तो ये उसकी एक लिमिटेशन सर्च इंजन एनी की। जी एडटेक कंपनियों ने स्कूल एजुकेशन पर बहुत सारी चुनौतियां सामने दी है, और उसको निपटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं एक एडटेक कंपनी बार अपनी फिर से तरीके क्वेश्चन से? सर। अनअकैडमी, बायजूस वगैरह ने स्कूल एजुकेशन पर बहुत सारी चुनौतियां सामने रखी है, तो इसको निपटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर हम ICT का उपयोग करके अगर बात करें तो उनको निपटने की क्या क्या नहीं, चीजें हो एडटेक सकती हैं, कंपनियां है ना, तो जैसे अनअकैडमी, बायजू, आजकल हर एक 11th 12th का बच्चा इस बायजूस प्रोग्राम में क्लास लग से ही जाए, हो गया, ना एकेडमी जिसके हो कारण गया। फिर क्लास पर वो ध्यान नहीं देता और उस पर ही ज्यादा ध्यान देता है, तो उसके वो जो चैलेंज आ रहे हैं उसको कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, उस चैलेंज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें स्कूल की जो टीचिंग है ना, जो टीचर्स हैं हमारे, हमें अपने खुद की क्वालिटी को और हमारे टीचिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा और टीचिंग एड्स का यूज करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बच्चे इन कोचिंग में तभी जाते हैं जब उनको स्कूल सफिशियंट नहीं दे पाता है। तो हमें दो तीन चीजों पर काम करना पड़ेगा। पहले तो हमारी जो टीचिंग स्किल्स है वो इट्स नॉट ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द सिलेबस ओनली, जैसे कि 21st सेंचुरी स्किल्स हमें कह रही है कि आप केवल सिलेबस को ध्यान में रख के नहीं पढ़ाएंगे, उनको इस तरह से पढ़ाइए ताकि उनके आने वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए। तो आई थिंक हमें इस तरह के कॉन्सेप्ट देना चाहिए स्कूल में ताकि बच्चों की वो डेवलपमेंट भी हो। जैसे अगर हमने पढ़ाया कोई सब्जेक्ट तो हम क्या करते हैं, उनको सिलेबस पढ़ा दिया बट उसके न्यूमेरिकल छोड़ दिए, तो इतना समय हो हमारे पास कि हम उनको कर सकें, सिलेबस उतना इतना ही हो जिसमें हम उस बच्चे को लेकर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग तक जा पाए। ऐसा ना हो सिलेबस बहुत ज्यादा और हम उसके एग्जाम में ही फंसे रह जाए। तीसरी बात होती है कि स्कूल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए टीचिंग एड्स और ICT का उपयोग बेहतरीन ढंग से होना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए, और टीचिंग और लर्निंग में बच्चों का एंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कोचिंग में जब बच्चे जाते हैं तो उनका सबसे अच्छी बात ये होती है उनका एंगेजमेंट होता है, उनको रिइंफोर्समेंट अच्छा मिलता है, अच्छा काम करते हैं तो उनको प्राइजेस मिलते हैं, उनको अवार्ड मिलते हैं, तो ये सारी चीजें भी स्कूल में होनी चाहिए सो दैट दे कैन पॉजिटिवली इंगेज विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो मुझे ऐसा लगता है सारी चीजें होनी चाहिए। सर, एक पॉइंट जी मैं ऐड करना चाहूंगी, जी जो बायजूस एंड अनअकैडमी ये सब है सर, एक्चुअली ये मास लर्निंग करवाते हैं, जिसके अंदर बच्चे का डाउट क्लैरिफिकेशन जो है वो शायद कहीं ना कहीं बच्चा इसमें सफर करता है, ये हमने अपने घर में भी देखा और काफी बच्चों से डिस्कस करने के बाद भी ऐसा हुआ है। तो दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी एडेड कि जब एक टीचर फिजिकली हमारे सामने होता है तो उससे क्वेश्चंस पूछने की अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ जाती हैं, तो वी कैन ऐड दिस पॉइंट ऑल्सो सर।
या बिल्कुल, थैंक यू। हाँ, इट्स आल्सो अ गुड पॉइंट। मेरा प्रश्न है हिंदी टीचर से कि आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? यस आप एनीबॉडी? ही बता दीजिए सर, क्लियर आइडिया नहीं है, अंदाजा नहीं लगाएंगे, आप ही बता दीजिए। आधुनिक कबीर नागार्जुन जी को कहा जाता है, जैसे जी कबीर दास जी में अखंड था, वो किसी की भी प्रशंसा या बुराई या जो उनको अच्छा लगता था समाज से ग्रहण करके उसको बोल देते थे। उसी प्रकार से नागार्जुन जी भी जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू किया था तो उनके ऊपर सीधा सीधा प्रहार किया था कि इंदू जी क्या हुआ आपको, तार दिया बेटे को, मोर दिया बाप को, मतलब बिना डरे बिना झिझक के उनके ऊपर सीधा प्रहार किया था, इसलिए उनको आधुनिक कबीर कहा जाता है। सर सर, मेरा एक हिंदी थैंक से यू एक सर। प्रश्न रहेगा, जी हिंदी सर से एक जी प्रश्न है मेरा सर कि एक मैं आपको छंद दे रहा हूं, चौपाई है, उसमें बताइएगा कि इसमें अलंकार कौन सा है। जी सर कि बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, जी कर बिनु करई करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस सकल रस भोगी। जी भोगी बिनुवानी वक्तावड़ जोगी। जी तो इसमें ये कौन सब सा अलंकार ना उपयुक्त है? सर बेसिकली इसमें ना बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। एक होता सर अतिशयोक्ति अलंकार, एक होता अतियुक्ति अलंकार। तो ये सर इसमें अतियुक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति होती है कि एक लिमिट में जो है उसकी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाती है, और अतियुक्ति होती है कि जो लिमिट से बाहर की जाती है। तो इसमें सर पहली पंक्ति है जो आपने अभी बताया कि बिन पद चले, मतलब बिना पैर के चलना तो संभव नहीं है, तो ये अतियुक्ति में आता है। अगर ये कहा जाए कि लंगड़ा दौड़ रहा है तो वहां पर अतियुक्ति हो सकता है, इसको हम मान सकते हैं कि लंगड़ा आदमी दौड़ने का प्रयास करके दौड़ सकता है, लेकिन बिना पैर के दौड़ना और चलना ये अतियुक्ति में आ जाता है सर। ये तो पूरी पंक्ति में अतियुक्ति अलंकार है। सर अच्छा, एक क्वेश्चन है, यदि ये कंप्यूटर वाले सर विकास सर से क्वेश्चन है कि आप यदि बाकियों को भी इन्वॉल्व करो यार। देखो यहाँ पर निया भी वेट कर रही है, मैं रोहित भी, रितु भी, सनी भी, नहीं जोतू पूछने दीजिए सर, ठीक है, मेरा थोड़ी भी। प्रैक्टिस हो जाएगी। निया भी दीजिए सर। पूछिए ठीक है पूछिए सर। विकास, विकास से पूछिए, सर विकास इसका से। विकास सर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा सर। जी हाँ, जैसे सर जब परशुराम लक्ष्मण संवाद में एक जगह आता है कि जब उन्होंने भगवान राम ने धनुष तोड़ा था तो लक्ष्मण ने उस समय वर्णन किया था कि छुअत टूट रघुपति न दोसु मुनि बिनु काज करिए हाँ कपड़ु। कि छुअत टूट, जी छूते ही टूट गया, मतलब कि केवल छुआ धनुष को और टूट गया, ऐसा संभव नहीं है सर कि उस तोड़ने का प्रयास किया था तभी टूटा था। लेकिन यहाँ पर भी अतियुक्ति अलंकार होगा, अतिशयोक्ति यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि छूते ही टूट गया, ऐसा उसमें कहा अच्छा, तो गया है। अतिशयोक्ति का कोई उदाहरण दीजिए ना, अतिशयोक्ति कोई उदाहरण दीजिए। हाँ सर अभी ध्यान में नहीं आ रहा, मैं आपको भी बीच में बता देता हूँ। भगवान हाँ की पूंछ में लगन में पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर भाग। अतिशयोक्ति। सर आज के डेट में जो जी डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उसके मुताबिक यदि देखा जाए जी तो लाइब्रेरी का या ऑनलाइन भी तो ये पढ़ाई हो रहा है, तो इस हिसाब से लाइब्रेरी वाली सुविधा या विद्यालय जो ऑफलाइन जो हो रही है वो तो बंद कर देनी चाहिए सर, उस पर आप क्या कहना? देखिए, मेरा कहना यह है कि डिजिटाइजेशन हो रहा है, लेकिन क्या होते हैं इसके अपने थोड़े से नुकसान भी हैं। अगर हम डिजिटाइज में जाएंगे ना, तो इनके हेल्थ इश्यूज होते हैं। अगर हम ज्यादा देर तक स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, जैसे संसार के बहुत सारे वैज्ञानिक इसी चीज में लगे हुए हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम 2 घंटे लगभग हो गया है, जबकि इतना नहीं होना चाहिए। 60 मिनट से ऊपर स्क्रीन टाइम एक या 24 घंटे में इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका एक हेल्थ इश्यू हो जाएगा, वो समस्या। दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर हम डिजिटाइज लाइब्रेरी की तरफ चले जाएंगे, तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारी जो सोचने की क्षमता है, याद रखने की, म्यूट हो गया है आपकी तरफ से। फिर म्यूट हो गया। म्यूट हो गया आपका। नया मैम ऐड करेंगी प्लीज। जब डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो एक्चुअल में इम्पोर्टेंस बच्चों को जब हम देखते हैं, तो बच्चे बच्चों को जो हम विजुअलाइज करवाते हैं ना जो चीजें, या वो चीजें जब बच्चे सुनते हैं, तो वो ज्यादा चीजें इफेक्ट पहुंचाती हैं। ये हमने बहुत बार देखा है, जो मूवी हम लोग देख लेते हैं उसका इम्प्रेशन ज्यादा पड़ता है। एक बार अच्छे से
मुझे तो ये लगता है कि डिजिटलाइजेशन प्लस टेक्स्ट बुक का अपीयरेंस, दोनों चीजें ही अगर बच्चों के सामने रखी जाए तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करवा सकती हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं ना सर, जिनको टेक्स्ट बुक खरीदना, ये भी तो हम उसके पॉजिटिव चीजें बताने के साथ साथ हम ये बोल सकते हैं ना कि दोनों का एक मिक्सचर जो होगा ना वो शायद एक अच्छी चीज होगी हमारे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको एक फ्री असेस मिल रहा है डिजिटाइजेशन से, जैसे अगर आपने सुना हो तो पीएम ई विद्या है ना सर, पीएम ठीक ई है। तो विद्या मेरा एक मैंने कॉम्प्रिहेंसिव। मैंने जो मेरा कनेक्शन कट गया था शायद से, मैं बीच में कट गया था भाई, बात नहीं पूरी कर पाया। ठीक है, आप एक कंटिन्यू मिनट करिए। विकास, एक मिनट होल्ड करना प्लीज। हाँ जी सनी जी मैम, कोई जी बच्चा ऐसा है जो क्लास में पीछे से आवाज करता है लेकिन हम बोर्ड वर्क करवा रहे हैं तो हमें उस चीज का पता नहीं चलता, तो हम उसे कैसे आपकी पहचान आवाज सकते नहीं आ हैं? रही है। कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जो पीछे से आवाजें कर रहा है और हम बोर्ड वर्क करवा रहे हैं तो हमें उस चीज का पता नहीं लगता, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैम ये चीज का मैंने एक दिन एग्जाम्पल दिया था कि नवोदय के अंदर ना हम लोग बहुत बच्चों को क्या करते हैं, पूरी क्लास में पहले तो हमें टीचर, एज ए टीचर हम बहुत अच्छे से जज कर पाएंगे कि किस बच्चे ने एक्टिविटी ये की है। एक बार में नहीं पता चलेगा तो दूसरे तीसरे बार में हमें पता चल जाएगा। फिर भी हम लोग क्लास में ना कुछ बच्चे ऐसे अपने क्लोज रखेंगे जो पक्का क्लास के बाद, और प्राइमरी में तो ऐसा ही होता ही है, कुछ बच्चे ने हरकत कर दी तो साथ वाला बच्चा पक्का आपको बताने के लिए आएगा क्लास के बाद कि मैम उसने ऐसा किया। तो एक टीचर का भी स्टूडेंट्स तक वही अप्रोच होना चाहिए, वो इतना इंटरमिंगल होके उनसे बात करे कि वो आपको सारी सिचुएशन ऑफ द क्लास बता दे। तो हमें कुछ अपने क्लोज सॉफ्ट मेरा कॉर्नर में वो बच्चे रखने चाहिए इंटर। और प्रश्न थोड़ा डाउट था, रखेंगे तो उससे भी पता चलेगा थोड़ा मेरा प्रश्न सनी मैम से है। मैम जैसे सा। कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और खेलने में अच्छा है या कोई भी शारीरिक क्रियाएं करने में अच्छा है लेकिन पढ़ने में कमजोर है, वो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लास टीचर का ही काम होगा क्योंकि मेरा फील्ड वर्क है। अगर कोई बच्चा कम पढ़ रहा है तो मैं उसको खेल के बारे में बताऊंगी, उसको अच्छे अच्छे जो प्ले मान है उनके लीजिए बारे में मैम, बता के उनको मैम मोटिवेट मान लीजिए वो करूंगी। पढ़ने में, मान लीजिए वो पढ़ने में अच्छा है खेलने में कमजोर है, इसी को हम उल्टा कर देते हैं तो यस सर, यस सर। सर मैं उसको एज ए फिजिकल एक्टिविटी उसका देखूंगी कि उसका बॉडी मूवमेंट कितना हो रहा है, मतलब उसको क्या दिक्कत आ रही है खेलने में, तो मैं उसको कोई स्टोरी बताऊंगी अच्छे प्लेयर की कि ऐसे खेलने से होता है, मैं उसके बेनिफिट बताऊंगी कि खेलने से हमारा माइंड ऐसे काम करता है, हमारी बॉडी सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देके सर मैं उसको मोटिवेट करूंगी खेलने के लिए। सर सर मेरा मेरा और नेहा मैम से वो जो डिजिटल एजुकेशन था उस पे एक क्वेश्चन बन रहा है। जी मैम, जी मैम, नेहा मैम, अगर बहुत से एरिया ऐसे होते हैं हमारे इंडिया में कि वहां पे लाइट नहीं आती है, तो वहां पे हम डिजिटल एजुकेशन को कैसे इनहेंस करेंगे, मतलब कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को वहां पे, जैसे रिमोट मैम एरियाज बोला है जी ये जी सब? जी मैम, रिमोट एरियाज के अंदर भी जो पीएम ई विद्या वाला इनिशिएटिव है ना मैम, अगर आप उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो एक्चुअल में इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव जहाँ पे सारे ई रिसोर्सेज मतलब कंटेंट लर्निंग जो है वो आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। और उसका एक्चुअल में मेन थीम भी है कि एनीवेयर एनी टाइम असेस आपको मिलता है। अगर बच्चे को थोड़ा भी इंटरनेट असेसिबिलिटी है कहीं पे भी जाकर तो उसका डाउनलोडिंग एंड ऑल सब कुछ पॉसिबल है। पर फिर भी हम रिमोट एरियाज में ऐसी जगह पे बात करते हैं जहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी ले रही है, जैसे प्रिंटेड मटेरियल जो है ना मैम वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। यही मटेरियल जो डिजिटलाइज ये बोले प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है उसका प्रिंट फॉर्म जो है जिसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोला जाता है, वो इवन एडल्ट एजुकेशन के लिए, फाउंडेशनल लर्निंग क्लासेस के लिए, ये छोटे लेवल के ऊपर टीचर स्कूल्स तक या उन बच्चों तक पहुंचाया भी जा रहा है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो यस वहां मैम, जो अवेलेबल नहीं है अभी तो यस उसका, मैम हाँ अभी जी जैसे कोरोना चला हुआ था तो ऑनलाइन क्लासेस चली थी, तो जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उनके घर में लाइट है तो वो उन्होंने कैसे मैनेज किया उस चीज को? उसके लिए मैम एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आया था, मैं आपको दिल्ली स्कूल्स के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। उसमें था एक मिशन बुनियाद करके एक कंसेप्ट चला था, वो क्या था, उनको पता था कि अब जो बच्चे हमारे यहाँ पास यहाँ पर आ रहे हैं दे आर ऑलरेडी सफरर्स, उन्होंने पहले वाली प्रीवियस क्लासेस को नहीं अटेंड किया है, इंडिया तो नंबर उनके लिए उन्होंने वन ऑन वन बेसलाइन असेसमेंट का प्रोग्राम चलाया था जिसके अंदर उन्होंने पहले ये देखा कि कौन सा बच्चा किस लेवल पर स्टैंड करता है,
वन ऑन वन, मतलब एक टीचर ने एक टाइम पर एक बच्चे को ही देखा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग देखा, फिर क्लास को बांट दिया दो सेक्शंस के अंदर, दो सेक्शंस में L1 और L2 बोला गया जिसको, तो उसके अंदर बांटने के बाद बच्चों का असेसमेंट भी उसी बेसिस पर किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि हमारे चैलेंजेस जो है हमें उसको किसी तरीके से ओवरकम करना है, तो हम भी क्या कर सकते हैं इसके लिए एज अ टीचर, हमें उनका वन ऑन वन असेसमेंट करना पड़ेगा, चाहे उसमें वो टाइम टेकिंग है, उसमें हमारा भी टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, बच्चे भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली वी कैन अचीव आर एम्स। तो वो उसके मेजर्स भी गवर्नमेंट लेकर सोचकर चल रही है मैम। नेक्स्ट प्रदीप, गेट रेडी, आवर कैंडिडेट वांट टू आस्क यू क्वेश्चन, ही इज फ्रॉम वाराणसी, मिस्टर विनोद। मिस्टर विनोद जल्दी पूछो। यस सर। एक बच्चे में बहुत इंटेलिजेंट है मगर कुछ दिनों से वह डाउन होता है, आवाज नहीं आ रही सर। जगदीश वो कह रहे हैं कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है मगर वो इन दिनों थोड़ा वीक होता जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? स्टार्ट आंसर। उनका सर एसेस करेंगे, क्लास के टाइम में एसेस करेंगे क्या उसका ये चल रहा है अभी। क्या आपको लगता है क्लास के टाइम में आपको असेस का मौका मिल जाएगा? आप पढ़ा रहे हैं, आप कैसे असेस करेंगे बच्चे को? सर ऑरल तो पूछ सकते हैं ना, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको पूछ सकते हैं, या बीच में जब कभी जैसे वन और टू क्लास में खास करके यूटी होता है, यूनिट टेस्ट होता है। पीआरटी लेवल की बात कर रहे हैं ये? आप पीआरटी है, ये भी पीआरटी है? हम भी सर पीआरटी की ही बात कर रहे हैं सर। 1 to 5 में 1 और 2 को अलग रखा गया, उसका फाइनल एग्जाम नहीं होता सर, उनके लिए ना यूनिट टेस्ट ही होता 4 times, तो उनमें सर उसको देख पाएंगे। और जो चलिए बच्चा थर्ड क्लास का है, बच्चा थर्ड क्लास का है बताइए, उनके लिए भी सर 2 तो सबमेट्रिव होता है और 2 यूनिट होता है 4, उसके लिए भी सर उसका चेक किया जाएगा कि किस सब्जेक्ट में हो रहा है, अगर सब्जेक्ट से नहीं पता चल पा रहा है तो उनका टॉपिक सर देख सकते हैं। ओके सर, घर की सिचुएशन भी तो हो सकती है कि घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि बच्चा भाई उसमें दिमाग उसका वहीं पर है इसलिए नहीं वो डाउन होता जा रहा है। इसके लिए मैम काउंसलिंग इज द बेस्ट मेथड, काउंसलिंग वर्ड यूज कर सकते हैं हम आंसर करने के लिए, कोशिश करेंगे कि वी विल काउंसल द चाइल्ड। इसके लिए रीजन पता करने की कोशिश करेंगे ना पहले, क्या रीजन है, वो क्यों नहीं अपनी अटेंशन पे कर पा रहा है यहाँ पे, उसी को मैम वर्ड यूज करते हैं काउंसलिंग बोलेंगे। दिस काउंसलिंग कैन बी डन बाय टीचर्स आल्सो एंड देयर आर काउंसलर्स इन स्कूल्स आल्सो। चलो यू वांट टू ऐड समथिंग मैम, इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, तो हम काउंसलिंग ही करेंगे बच्चे की, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर किसी ऐसे समूह में उसने रहना शुरू कर दिया है, ठीक है, जिससे उसके मतलब पढ़ाई के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है जिसका, या फिर उसके घर की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है जिससे उसकी पढ़ाई के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो बहुत से रीजन हो सकते हैं, हम काउंसलिंग के द्वारा ही पता करेंगे कि क्या रीजन है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों डाउन जाता जा रहा है। वन मोर पीआरटी क्वेश्चन, एनीबॉडी कैन आंसर, कोई भी जवाब दे देना, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सर मैं प्राइमरी में क्या काम होता है, कैसे बनाया गया, क्या बोले, प्राइमरी में पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है? पोर्टफोलियो तो सर उसका पूरा कंप्लीट होता है, जैसे मान लीजिए कि 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है तो उसका स्टार्टिंग से बनाया जाता है, उसका कैसा रहा ऑल ओवर, जैसे एजुकेशन में या फिर खेलने में या उनका कोई खेल में है तो उनका सब पोर्टफोलियो में तो टोटल चीज आ जाता है। एनीबॉडी एल्स वांट टू ऐड समथिंग? मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ जी मैडम। पीआरटी टीचर से यस कि पीआरटी जो क्लास के बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो एक अध्यापक के रूप में आप में क्या गुण होने चाहिए कि आप उनको हैंडल कर सके? उसमें तो सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए उसके। और इसमें एक प्रश्न और मेरा ऐड है उसमें, कि अक्सर हमने देखा है कि पीआरटी में ज्यादातर महिलाओं को चयनित किया जाता है, ऐसा क्यों? प्राइवेट स्कूल में तो अक्सर ये है कि पीआरटी में महिलाओं को इसलिए किया जाता है क्योंकि वो महिलाएं एक बच्चे का दुख दर्द या स्टार्टिंग पीरियड से वो सब कुछ देखा हुआ रहता है उनको इसलिए। और टीचर में क्या गुण होने चाहिए, अगर आप मेल टीचर आप जाते हैं तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगे? पेशेंस होना चाहिए, रोएंगे चिल्लाएंगे और कई तरह की हरकतें करेंगे वो। यस मैम, कई बार टॉपिक कुछ ऐसा हो जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, शरारत करने लग जाता है, तो हम उसमें कुछ एक्टिविटी ऐसे करेंगे या खेल के अकॉर्डिंग करवा लेंगे या कोई पोयम बुलवा लेंगे उनसे कि भाई उनका जो अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ खींचे हम, कि भाई हमारी तरफ ध्यान हो उसका। मेरा क्वेश्चन सभी पीआरटी टीचर से है कि जैसे हम क्लास में एंट्री करते हैं जब, तो उस समय क्लास में शोर हो रहा होता है, उस समय हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए?
पहला कदम होगा कि उसको जैसे ही क्लास इन करने के बाद उस बच्चों को बोलेंगे हेलो बच्चों क्या मतलब उसको कुछ स्टोरी के बारे में बताएंगे कि चलो एनीबॉडी एल्स कैन आल्सो आंसर, कोई और भी अपना माइंड लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आप इनको हेल्प करना चाहे। सर मैं बता सकती हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मैडम ट्राई कीजिए ना। कि मुझे लगता है जैसे हम लोगों ने बचपन में कभी मदारी का खेल देखा होगा तो पढ़ाने से पहले डमरू बजाता था तो लोग धीरे धीरे मतलब उधर होने लगते थे अब यहाँ कुछ होने वाला है, लोग कहीं भी होते थे ना तो वहाँ इकट्ठे हो जाते थे। छोटे बच्चों के साथ भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हमको करनी पड़ेगी कि सारे बच्चे हमारी तरफ अपने ध्यान कर दें और फिर धीरे धीरे हम अपने मतलब पॉइंट पे आ सकते हैं उनको पढ़ाने के लिए। मैडम जैसे जैसे एग्जांपल में सारे बच्चों को बोल सकते हैं कि आप टिफिन में क्या लाए हैं, एक बार सारे एंगेज होकर बताएंगे कि आज हम पराठा लाए हैं, हम पकौड़ी लाए हैं, लेकिन फिर और तो भी कुछ उनको उनकी बात। मैम फिर तो शोर तो और होगा ना, सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे हम पराठा लाए हैं, सैंडविच लाए हैं, हम ये लाए हैं। हाँ लेकिन थोड़ी देर बाद चुप हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद वो सारे अटेंशन में आके चुप हो जाएंगे, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सकता है या हम टेबल पे हाथ लगा के उनको एक आवाज की तरफ अट्रैक्ट करें, वो उसकी तरफ अटेंशन पे करेंगे, या फिर बोर्ड को नॉक करके उनका ध्यान अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैम ये तो एक तरह से ऐसे ही हो जाए ना कि आप जबरदस्ती शांत कराना चाह रहे हैं हमको। वो एक बार के लिए ध्यान करेंगे ना, हमारी बातें सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे, वो एक बार चुप होंगे तो हमारी बातें सुनने के लिए रेडी हो। या फिर जैसे कुछ होता है ना कि आप प्रोजेक्ट शिक्षक सहायक सामग्री जिनको हम बोलते हैं, आप पहले से रेडी करके ले जाइए, उनको दिखाइए कि देखो बच्चों ये क्या है, कुछ भी आप फ्लावर्स कुछ बना सकते हैं, जैसे एप्पल आपको दिखाना तो एप्पल घर से आप बना के ले जा सकते हैं। छोटे बच्चे ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हम दरवाजे पर पहुंचते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है क्लास में शोर हो रहा है, तो हम बच्चों के लेवल का कोई उनकी कविता उनकी गीत को गाते हुए ही प्रयोग करें क्लास में। जैसे कोई गा के दिखाओ सर, प्राइमरी लेवल मान लो प्राइमरी लेवल का गाना क्या हो गया तुम्हें तो बहुत आता है, बताओ कुछ रसोई वाला। जैसे प्रदीप जी के हमारे साथ में देवेंद्र जी ने कविता याद कर रहे थे कि उसमें है कि आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी खोल रहे हैं। मेरा ये मानना है शायद अगर ऐसे हम गाते हुए प्रवेश करेंगे तो शायद बच्चे एकाएक शांत हो सकते हैं। आप उसके बाद दो चार लाइन पांच लाइन गाने के बाद फिर अपने टॉपिक उनको ले आए जो भी हो। बहुत सही तरीका है भाई, बहुत क्रिएटिव वे है। सर ये एग्जामिनेशन के दौरान पहले भी चोरियां होती थी और आज भी चोरियां हो रही है, ऑनलाइन भी जब एग्जामिनेशन हो रहे हैं उस चीज कुछ वहां भी चोरियां हो रही है, तो उसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे एज ए कंप्यूटर टीचर? हाँ जी विकास योर टर्न कम अगेन। किस बात की? जी सर किस बात की चोरियां हो रही है सर? जैसे पूरी साइट हैक करके कि किसी बच्चे परीक्षा कोई दे रहा है उसकी जगह किसी और को बैठा देते हैं इस तरफ की, या फिर नकल उसको आप कहते हैं नकल हो रहे हैं एग्जाम्स की नकल हो रही है। जी जी देखिए नकल हो रही है, इसका कारण मेरी तरफ मेरी समझ से यह है कि एक्चुअली जो हमारे पास तकनीक है उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हम अभी टेक्नोलॉजी यूज करें केवल क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पे ये लोग एग्जाम करा रहे हैं अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, और केवल डेटाबेस पर बेस करके एग्जाम करा रहे हैं, इसी कारण से सब समस्याएं हो रही हैं। आने वाले समय में डिजिटल लॉकर सिस्टम एक होता है डीएलपी, जिसको डिजिटल लेजर सिस्टम कह रहे हैं, ब्लॉक चेन पद्धति होती है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम किसी भी सिस्टम को हैक करने से ऑटोमेटिकली रोका जा सकता है। दूसरी बात होती है कि हर सिस्टम पे सेंसर लगा देना चाहिए, और वो सेंसर ऐसे होने चाहिए कि जो इंसान की आंखों से या फिर हाथ से या थंब से इससे ही चलना चाहिए, बाकी नहीं, क्योंकि ऐसी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जब हमारे पास एआई है तो सारी चीजें हैं, तो हर सिस्टम पर जहां पे आपका वेब कैमरा लगा होता है तो वेब कैमरा के साथ सेंसिटिव कैमरे लगाने चाहिए, वो उसके के अलावा चलना नहीं चाहिए, तो ये भी होना बहुत अनिवार्य है। वहां जो थंब की बात सर वेब कैमरा तो लगी रहती है सर, वहाँ जो थंब वेब कैमरा से स्क्रीन शेयरिंग नहीं रोकी जा सकती, समझिए बात को, नहीं सर मैं ये बोल रहा हूँ जैसे रख सकते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ जैसे एसबीआई की वेबसाइट है, अगर हम लोग एक जगह अगर लॉगिन करते हैं अगर एक लैपटॉप पे किए तो दूसरी जगह लॉगिन नहीं हो सकता है एक्चुअली, जो वेबसाइट जो बनाए तो कह रहे हैं देखिए एक्चुअली वही कह रहा हूँ मैं कि ये जो एग्जाम हो रहा है वो सिर्फ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे हो रहे हैं, और एसबीआई ने ब्लॉकचेन सिस्टम को ले लिया है इसलिए हम उस पर काम कर पाते हैं, तो वही मैंने पहली पॉइंट यही कहा था कि एक्चुअली ये सिस्टम होना चाहिए कि अगर एक जगह सिस्टम लॉगिन है तो वो ना हो पाए, और वो सिंपल इस स्ट्रक्चर से नहीं हो पाएगा जो ये सिस्टम पे हम लोग कर पा रहे हैं, उसके लिए अलग ही। म्यूट हो चुका आपका
मैडम आपको बच्चों को नंबर सिस्टम पे लेकर आना है, कैसे लेकर आएंगे? सर मैं उनको सबसे पहले पूछूंगी क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हो, तब वहीं से वो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, हम अपनी परसेंटेज बताएंगे कितने बच्चे हैं, काउंट करके बताएंगे, या मेरे हाथ में पेन दिखा के पूछ सकती हूँ मैं कितने पेन हैं, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, ये फिर जैसे जैसे जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है वहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। वेरी गुड। फिर मैं उनको जीरो के बारे में बताऊंगी, नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड करते तो होल नंबर बन जाते हैं। उसके बाद मैं उनको नेगेटिव नंबर पे लेके जाऊंगी, ये फिर उसको नंबर लाइन पे ऐसे ऐसे करके मैं नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी। वेरी गुड। नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स वांट टू टॉक? सर हिंदी वाली मैम से क्वेश्चन है। विजय लक्ष्मी तो वेट कर रही है, कई देर हो गया आज बोले भी नहीं हमारे साथ। नो सर, वो जो झज्जर से बिलोंग करती है सर। झज्जर वाली, ये तो ये रहे, ये दो है झज्जर और पानीपत, दोनों ही एक से बढ़ के एक है। चलिए मैम, कोई बच्चा है उसको कम दिख रहा है, आप ब्लैक बोर्ड से कोई वर्क करवा रहे हो उसको कम दिख पा रहा है, तो आप सबसे पहले से आगे बिठाओगे, उसके अलावा क्या करवा सकते हो वहाँ पे? देखो उसको कम दिखाई दे रहा है तो आगे तो बिठाएंगे, फिर ये हमारे, तो अलग बात, हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि उसको कम दिखाई दे रहा है तो हम थोड़ा सा बड़ा लिखना शुरू कर दे, जैसे हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर अगर छोटा लिख रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा लिख, ठीक है? इसके अलावा तो मैम कुछ नहीं है, फिर तो उसको अपने हिसाब से। मैम एनीवन कोई ऐड करना चाहेगा? आई विल लाइक टू ऐड। बताइए मैम, इसके लिए कुछ असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं जिसके लिए हमें परमिशन मिलती है स्कूल में, कि स्कूल भी उन बच्चों को वो प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ फंड्स भी अवेलेबल होते हैं, तो वो असिस्टिव डिवाइसेस सच एज अ टेलीस्कोप आता है छोटा सा जो वो बच्चे यूज कर सकते हैं, तो स्कूल कैन ग्रांट दैट। अगर नहीं भी होता तो हम लोग बच्चों को कह के आपस में, अगर इफ द चाइल्ड कैन अफोर्ड इट इट इज ओके, नहीं कर सकते हैं तो हम लोग मिलके भी उसके लिए, टीचर्स भी कोलैबोरेट करके बच्चे को बिना बताए उसके लिए डिवाइस परचेज कर सकते हैं, एंड दैट कैन हेल्प। और एक चीज और, मेरी क्लास में एक ऐसा ही स्टूडेंट था, ही वॉज वेरी मच इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट था, सिर्फ प्रॉब्लम उसको लिखने में थी, उसके कॉपी करने में, सिर्फ बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाता था, सुन के वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता था। तो हम लोग क्या करते थे टीचर्स, उनको जैसे हमारी स्पीड ज्यादा होती है, जब बच्चे लिख रहे होते हैं ना मैम बोर्ड के ऊपर दूसरे बच्चे, तब हम लोग जाकर उसकी कॉपी के अंदर हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी से थोड़ा सा लिख के दे दिया, सो दैट ही कैन कोप अप विद द स्पीड ऑफ टीचर, तो वो हेल्प कर सकते हैं। और वो बच्चे गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल्सो हैव द एबिलिटी, अगर उनके आंखों से वो थोड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने उनके कानों से उसको एक्टिवली उनको रिस्पॉन्स देते हैं, कहीं ना कहीं वो गिफ्टेड है मैम, तो वो अच्छा कर पाते हैं। मैम एक उस बच्चे के पास ना ऐसा बच्चा बिठाएंगे जो शुद्ध लिखता हो, वो उस बच्चे की कॉपी से भी कॉपी कर सकता है। करेक्ट करेक्ट मैम। यस विजय लक्ष्मी मैम, हमें बच्चों को शैली पढ़ाना है तो किस तरीके से पढ़ाएंगे और शैली को डिफाइन करके बताइए जरा। फिर से थोड़ा कट गया है। शैली किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसको डिफाइन कीजिए जरा। शैली शैली, आपको बच्चों को शैली पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएंगे, किस प्रकार की शैली, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। काव्य शास्त्र के, काव्य शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक शैली आती है, काव्य की लिखने की कितनी शैलियां हैं, कितने प्रकार हैं, उसके बारे में बात कर रही हैं कि शैली हम कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिफाइन कीजिएगा, क्यों ये पूछा? इसका मुझे आइडिया नहीं है, आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, मुझे आइडिया नहीं। देखो मैम जो शैली है उसके प्रकार का तो मुझे नहीं पता, परंतु मैं शैली के बारे में थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे मैं अपनी मतलब लैंग्वेज में बच्चे को समझाऊं, वो मैं शैली होती है, मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी भाषा में अगर बच्चे को समझाऊंगी तो वो मेरी मैं शैली है। मैडम आप कल ना इसको ना पूरा अच्छे से बनाना, क्योंकि हमारे पास 30 सेकंड्स रह गए। हाँ जी अच्छा सर, दुआ फटाफट 30 सेकंड्स। खड़गम चक्र गदे सुचाप परिघा छूलम भुसुंडिन सिरा शंखम संदद तिंकरे श्री नयना सर्वांग भूषावृताम नीलाश मधुतिमास्य पाद दशकाम सेवै महाकालिकाम यामास्तस्वपितय हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक